का एक नया नजरिया भी है वो इस्लामिक सेकुलरिजम है उसके बारे में जानते हैं आप जी जी मैं बच्चा मैं आपको आप, 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 आप स्टूडेंट तो तो सुनेंगे उन तक भी पहुँचा दीजिएगा देखें वही बात है देखिए दीनी बंदा ना बेसिकली वहाँ भी हो जाता है इज अ ग्रेट मैन आई लव एवरी जो कि अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं ठीक है टेके? पैगाम पुछा इस्लामिक सेकुलर का बंद करें चाह चा रहे हैं ना क्योंकि अंग्रेजी की स्ट्रेंथ नहीं है कोई बात नहीं को का इंसान है काफी नहीं। नहीं बता दूँ बात तो, नहीं भाड़ में जिस बंद की स्ट्रेथ है अंग्रेज की तरफ से मैं लफ्ज दुरुस्त कर दूँ बसली कह रहा हूँ इस्लामिक सेक्लिजम भी बोलना चाह रहे वो तो, असल में जो बोलना चाह रहे हो इस्लामिक लिब्रटेर ये लफ्ज़ है असल में बड़ी थे जमीन आसमान का फर्क है मैं बताता हूँ की बुनियाद कहां से पड़ी उसकी बेसिस क्या लफ्ज टेक्निकल वर्ड है मैं जो तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों ने इस्लामिक सेकुलरिज्म की टर्म सुनी है कि बहुत दिलचस्प टर्म लगी इस हवाले से हमें कि एक चीज़ है कि इस्लाम और सेकुलरिज्म जो कि दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं एक ही पैराटाइम में को एग्जिट कैसे कर सकते हैं जब एक दूसरे के खिलाफ है मतदा चीज़ें जब आप तो ये सेकुलज है ये टर्मनोलोजीज़ है इस्लामिक सेकुलर्जम के ऊपर अगर किसी को इतराज़ है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर इतराज़ क्यों नहीं हुआ उस वक्त किसी ने क्यों नहीं कहा कि बैंकिंग तो निज़ाम है यहूदियों का हमने तो पैनल में सारेमाने बोर्ड बना लिया ठीक है मैं इसलिए कहता हूं जिसने मुझसे बात करनी ग्राउंड पे करे जिस बात ही नहीं इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर वही गुस्सा आया इनको क्योंकि इनके अपने मौलवी तीन, तीन तीन चार चार लाख तनखाए लेके उस शरिया बोर्ड में बैठे हुए थे इसलिए बैंकिंग जो है उसको इस्लाम का जामा तो पहनाया जा सकता है जो कि है ही यहूदियों का निजाम था तो फिर आपको ये बैंकिंग के फजाइल बताएंगे कि नहीं नहीं बैंकिंग कैटेगोरी के लिए तो गलत नहीं है इसके पॉजिटिव चीजें भी हैं अच्छा फिर डेमोक्रेसी जिसकी बुनियादी शिर किया कि पब्लिक डिसाइड करेगी इसके अगेंस्ट मुसलमानों ने इस्लामिक डेमोक्रेसी पाकिस्तान का नाम क्या है इस्लामिक उधर मौलवी किधर मरे हुए थे जब इसका नाम ये रखा जा रहा था तिहत्तर के आयन में वो शामिल है डेमोक्रेसी अगर इस्लामिक हो सकती है बैंकिंग इस्लामिक हो सकती है तो सेकुलर इस्लामिक क्यों नहीं हो सकता सेकुलिज्म तो बाद में आएगा ना डेमोक्रेसी में क्या है कि पब्लिक डिसाइड करेगी अगर मर्द की मर्द से शादी को वोट लग कर देंगे ना लोग तो वह हो जाएगी लेकिन इस्लामिक डेमोक्रेसी क्या है कि नहीं होगी हलाल के दायरे के अंदर इसी तरीके से मैंने इस्लामिक सेकुलर की टर्म डिवाइज की है जिस तरह इन मौलवियों ने इस्लामिक डेमोक्रेसी इस्लामिक बैंकिंग की टर्म डिवाइज की है ना हम इनके ऊपर फतवा तो नहीं को का लगाते क्यों नहीं लगाते क्योंकि इस्लामिक बोल के वो उस टर्म को डिफाइन करते हैं आप मुझसे पूछें इस्लामिक सेकुलरिज्म क्या है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक फिरका दूसरे को जीने का हक नहीं देता छोटी सी बात हो तो ये कहते हैं सरतन से जुदा ये श्रीलंकन को एक स्टीकर उतारने के ऊपर जिस श्रीलंकन को ये पता ही नहीं था कि स्टीकर का मतलब क्या है उसे कत्ल कर देते हैं पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं लोग थूकते हैं इस तरह की बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर वहाँ पे इस्लाम ने जो ये हुक्म दिया है ला अकरा हफिद्दीन अद तबयन अद तबइयन मिनल गई दीन कबूल करने के मामले में कोई जबर नहीं है अल्लाह ने हदायत को गुमराह से अलग करके बयान कर दिया है जिसकी मर्जी है वो हक का रास्ता इख्तियार करे जिसकी मर्जी है कि वो बातिल का आखरत में फैसला होगा यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स और लोगों को ये राइट है कि वो अपने 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 अकाद को थोपेंगे नहीं इसको मैंने टर्म को कहा इस्लामिक सेकुलरिज्म इस मेरे भाई क्या मौलवियों को सिर्फ राइट है कि यहूदियों की बैंकिंग को इस्लामिक कर दें और जूस और क्रिस्स की

और कहेंगे ये टर्म गलत है इस्लामिक डेमोक्रेसी को अगले दिन आके मुझसे भी इसको सिंपल ये करते हैं कि जो मुल्क के मामलात हैं उसके अंदर इस्लाम के मुताबिक शरीय के मुताबिक जो सिस्टम और गवर्नेंस है, उसके उसके है कि वो इस्लामिक सिस्टम जी, जी, क्यों नहीं हामी है।, है लेकिन दूसरों को काट देना इसका कोई हामी नहीं मतलब यह ना कि आप तो दीन और रियासत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा रियाती मामला सेकुल की बात नहीं हो रही इस्लामिक जिस तरह मुझे कहेंगे बैंकिंग का तो मतलब यह है कि सूद पे कर्जे देने

कैमरा नहीं ना बनाया बगदाशी वालों ने कोई कॉलर माइक नहीं ना बनाया इस तरह मुसलमानों में ये जदीद जितनी आपको दुनिया में इस वक्त चीज़ें नजर आ रही हैं ना फिलासफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उन लोगों की मेहनतें हैं कि जिन्हें हम काफिर समझते हैं हमने पॉजिटिव चीज़ें उनसे ली हैं वरना मोदूदी साहब से पहले चौदह सौ साल में किसी को कोई जमात बनाने का ख्याल क्यों नहीं आया ठीक है क्योंकि ये मॉडर्न दौर आ चुका है अब कंट्रीज़ का दौर है अब अंपायर से कंट्रीज बन चुके हैं जब कंट्रीज बनी है तो सुप्रीम कोर्ट की टर्म क्या आई है अजमेशी वालों ने बताई है आपको हाँ बताएं हाई कोर्ट ये देबान शरीफ ने बताई है सिविल कोर्ट ये बरेली शरीफ वालों ने बताई है क्या बात करते हैं हर चीज आप उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए जज्बात से हटके ना इलमी ये चीजें हैं जो लोगों को सेकुलर बना रही हैं वो वाला सेकुलर जिसे आप नफरत करते हैं ये चीजें हैं जो लोगों को ऐतिहास बना रही हैं क्यों हमारे मजहबी पेशवा भी जाहिल है और उनके जो नुमाइंदा पढ़े लिखे पेंट कोट पहन के बैठे हैं वो भी जाहिल है मुतलिक है ना उन्हें दीन का पता है ना दुनिया का पता है सिर्फ अपनी फिलासफी झाड़ते हैं इलमी ग्राउंड के ऊपर जीरो हैं वो सही है चलें ये बात क्लियर हुई कि आप जो है इस्लाम के मुताबिक के मुताबिक नहीं।, हो नहीं होनी चाहिए इस्लामी के मुताबिक इस्लामी के मुताबिक नहीं इस्लामी कवानी के मुताबिक नहीं जब आप ये कहेंगे ना स्टेट का एक मजहब होगा स्टेट मजहब रखे अपना उन लोगों से मुताल जो उस मजहब को मानते हैं स्टेट का मजहब अगर इस्लाम है तो वो यहूदियों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा बता रहा हूँ ना नहीं अगर आप ये कहेंगे ना कि ये भी जो है ना रोड पे उठ के तो हमारी तरह एहतजा में शामिल होंगे अदरवाइज इनका भी सरतान से जुदा यह नहीं होगा नहीं ये, 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 ये लोग चाहते हैं ये देखें ये लोग खत्म नबूत के नाम के ऊपर धरनों में नंगी गालियां दे रहे थे किधर उलमाम मर गए थे इनकी जुबान को लगाम देने वाला था एक बंदा बैठ के गालियां देता रहा सारे उसके धरनों में बैठ के हमारे सियासी लीडर भी उसका साथ देते रहे किधर मरे थे मैं अकेला बोल रहा था कि यह इस्लाम नहीं है जो ये प्रेजेंट कर रहा है ये होता है इस तरह की इस्लामी हुकूमत मेरी दुआ है कभी भी पाकिस्तान में ना आए हम इस तरह की किसी इस्लामी हुकूमत को किसी इस्लामी निजाम को सपोर्ट नहीं करते जो फिरकों का निजाम हो जिसमें दूसरों को राइट ना हो और वो अपने मर्जी का इस्लाम थोंपे मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ना करे ऐसा इस्लामी निज़ाम तो कोई ऐसी सियासी जमात जो कि जिसका कोई फिर आवारी से कोई ताल्लुक नहीं है अगर उसको किरदार मिले और वो इसको प्रैक्टिस तो तो करे बिल्कुल ग्रेजुअली सपोर्ट करेंगे जमा इस्लामी को मैं सपोर्ट करता हूँ बिल्कुल मुझे उनके बारे में कॉन्फिडेंस है उन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से साबित किया है कि वो लोग स्पेस देते हैं उनकी मस्जिद में अगर कोई ऊंची अमीन कहता है रफुल्जदैन करता है वो उसे नहीं डांटते ना निकालते हैं लेकिन वो लोग जो आज ठेकेदार बने हुए हैं दीन के उनकी मसाजिद में आप ऊंची अमीन कह के बताएं हो जाती तो लड़ाई हो, है। हो जाती है तो मुझे बताएं जिधर आपका टॉलरेंस का लेवल ये है कि ऊंची अमीन पर लड़ाई हो जाए इन लोगों के हवाले आप इस्लामी निजाम करना चाहते हैं अल्लाह ना करे इससे तो बेहतर है किसी काफर के आदमी हुकूमत चली जाए क्योंकि वो मुझे जीने का हक हाँ देगा इसके ऊपर मैं दलील आपको पेश करता हूं आपके मौलवियों की जान को खतरा होता है तो वो बगदाद शरीफ अजमेर शरीफ नहीं जाते यूके शरीफ जाते हैं अमेरिका शरीफ जाते हैं क्योंकि वहां इस्लामी हुकूमत है यहां मुसलमान हुकूमत